बताओ बताओ। एक बुक, सॉरी, देखो कहाँ तक अपन ने कर लिया था, इसमें डिफरेंस कर लिया था बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, चयन और भर्ती में अंतर हो चुका था बेटा। इजी याद हो जाएगा, है ना? भर्ती में कैंडिडेट ज्यादा रहते हैं, है ना, सिलेक्शन में कम रहते हैं, ठीक है। भर्ती रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। भर्ती रिक्रूटमेंट क्या है, स्टाफिंग की फर्स्ट प्रोसेस है, और ये इसके बाद होती है, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होता, चयन होता है, ठीक है। भर्ती में कैंडिडेट का क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट लिमिटेड होते हैं। भर्ती रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू नहीं होता, इसमें इंटरव्यू होता है साक्षात्कार। बहुत ईजी, अपन कर सकते हैं। अब सिलेक्शन के बाद आती है अगली प्रोसेस, ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या होता है, किसी भी काम को करने से पहले उसको बेसिक ट्रेनिंग देना, सिखाना कि भैया काम कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसा एटमोस्फेयर मिलेगा, है ना, किस तरीके से काम करना, कोई समस्या आ रही तो कैसे इस समस्या को हल किया जाएगा, ये होता है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, इसमें बताया है प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी है, ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है। इसमें सबसे पहला दे दिया है नीड और इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले प्रॉपर यूज ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, है ना, आपको किसी कंपनी में लगा दिया, जब आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिली, किसी मशीन पे काम करने लग गए, पता लगा झटका खा के आगे, है? कोई भी रीजन हो सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक का काम हो तो वहां पे प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं लोगे। जैसे कोई आईटीआई रेलवे में जाते तो रेलवे में क्या चाहिए, आईटीआई चाहिए, है ना, क्योंकि प्रॉपर आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा तो बहुत रिस्की मामला हो सकता है रेलवे में, ठीक है। तो प्रशिक्षण क्या होता है कि हमें क्या करें, मशीनों का प्रॉपरली यूज करना आ जाए, टेक्निक्स आ जाए उसकी। दूसरा जॉब की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण क्या होता है कि हम कहीं जॉब करने वाले हैं तो बाकी हमें प्रॉपरली इनफॉर्मल ट्रेनिंग मिल जाए। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार के विकास के लिए भी प्रशिक्षण जरूरी है। तो अगर मेरे बिजनेस में एक क्या हुआ, सीखा हुआ एम्प्लॉय आएगा तो वो बात अलग है, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको सिखाना रहेगा तो वो, है ना, कंपनी का भी टाइम वेस्ट करेगा और कहीं ना कहीं वेस्टेज भी करेगा। और क्या होगा, रिड्यूस सुपरविजन। अगर आपके पास एक प्रशिक्षित इम्प्लॉय आया है, ट्रेन इम्प्लॉय आया, तो उसके ऊपर सुपरविजन करने की, मतलब उसको देख रहे, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पता है स्किल्ड इम्प्लॉय, है ना, जैसे आप मेरे यहाँ पे कोई स्किल्ड स्टूडेंट है, जदी ने आप इधर से बैठे हो, आप बैठे हो, तो ये क्या स्किल्ड इम्प्लॉय स्टूडेंट है। अब इनको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है, अब इनके ऊपर सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है, इन्हें बस बताना है, प्रॉपरली गाइड करना है, ये अपना आप सेल्फ से कर सकते हैं। और क्या है, बेटर सेफ्टी के लिए, सुरक्षित के लिए, आपको ट्रेनिंग नहीं है, जानकारी नहीं है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ सकती है। तो ना कुछ गाड़ी चलाते टाइम गाड़ी के पहले आप ट्रेनिंग लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। कार चलाते टाइम, चलो बाइक का तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो उनके साथ चलाते चलाते सीख जाएंगे, आप ठुकते गिरते उड़ जाते, ठीक है। अगर यही बात अपन कार के लेंगे तो कार तो बहुत रिस्की मामला है ना, यहाँ पे हम विदाउट ट्रेनिंग उसको ड्राइव करेंगे तो रिस्की मामला हो जाएगा। इकोनॉमिक सस्ती करने के लिए, आपके पास ट्रेन इंप्लॉय आएगा तो वो क्या करेगा, वेस्टेज कम करेगा और प्रोडक्शन पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देगा। इट मीन्स वो क्या करेगा, है ना, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की उसमें कैपेसिटी रहेगी, कम लागत में अच्छा उत्पादन कर लेगा वो, इसलिए ट्रेनिंग है ना। प्रमोशन और करियर ग्रोथ के लिए भी, तो ट्रेनिंग ऐसी नहीं कि एक बार चलती है, कि स्टार्टिंग में जॉब लगते टाइम ही ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग ऐसा सेशन रहता जो हमेशा चलता रहेगा एम्प्लॉयज में। इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में चले गए तो आपके हर एक दो साल में ट्रेनिंग होती रहेगी, क्या मार्केट में क्या नया आया, क्या नया सीखने की जरूरत है, क्या कंपनी में नया आने वाला है ना, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग होगी। सॉफ्टवेयर कंपनीज में ज्यादा होती है ट्रेनिंग, ना क्या, अगर किसी कंपनी ने कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करा तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज को तो समझाना है कि क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे
क्या नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, कोई नई टेक्निक्स इन्वेंट करी है, तो उसकी सबसे पहले ट्रेनिंग देती कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कि इस प्रकार हमारे पास ये प्रोडक्ट नया आया है, इसमें ये जानकारी, ये फीचर्स ऐसा यूज करते हैं, अब आप जाके अपने क्लाइंट कस्टमर्स को आप बता सकते हो। तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग तो होगी इसकी, और किसके लिए क्या हो सकता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, हायर मॉडल के लिए, उसकी नैतिकता के लिए भी, और मोर एडेप्टिबिलिटी के लिए। नॉर्मली आता है कम आता है ना, बस आपको नॉलेज हो ट्रेनिंग के लिए। आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता चुका हूं, उससे बाहर पेपर में नहीं मिलेगा। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग करने की क्या क्या मेथड है, उसमें देखो कौन से दो मेथड दे दी प्रशिक्षण की तकनीक या विधि, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब पर ट्रेनिंग, ये मैं कल बता चुका हूं, कार्य पर प्रशिक्षण देना। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अफोर्ड नहीं करती कि उनका कहीं बाहर इंस्टीट्यूट हो या शिकार है, जैसे बहुत सारे से कारखाने फैक्ट्री से वो कहां से अलग ट्रेनिंग सेंटर बनाएगी, वहां पर क्या एम्प्लॉय जाता है और वहीं पे बैठ के कार्य पर ही प्रशिक्षण लेता, मतलब वो देखते देखते सीख जाता है। अभी जैसे इन फ्यूचर आप कोई सीए के ऑफिस में जाता, कोई प्रोफेशनली अकाउंटिंग पे जाता, तो कहां पे सीए के ऑफिस में जाएगा और वो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज तो पढ़ लिया था, आप क्या करोगे वहां पे वो देखोगे कि अकाउंटिंग कैसे कर रहे है ना, कैसे कंपनियों के प्रैक्टिकली आप चीजों को करोगे, तो धीरे धीरे आप काम पर ही क्या करोगे ट्रेन हो जाओगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप वहीं पे बैठे बैठे सीख जाओगे। तो काम पे दिया गया प्रशिक्षण एक अलग होता है और काम के बाहर दिया गया प्रशिक्षण। तो एक से आ गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन वर्क, ध्यान रखना जॉब रोटेशन वर्क का मतलब क्या होता है, जॉब रोटेशन है बैंक में ज्यादा दिखता है कि कोई एक इम्प्लॉय पर्टिकुलर एक पोस्ट पे नहीं बैठेगा। बैंक में देखो कैशियर एक ही काउंटर पे कंटिन्यू नहीं बैठेगा, उसकी प्लेस चेंज कर देंगे, रिसेप्शन की प्लेस चेंज कर देंगे, एंट्री की प्लेस चेंज कर देंगे, क्योंकि बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते पैसे के। अगर कैशियर को एक ही कैश काउंटर पे बार बार बिठाएंगे तो उसको सब पता चल जाएगा कि कौन क्लाइंट है जो ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए का केस लाता है, यहाँ पर जमा करता है, बैंक में कहाँ कितने ट्रांजेक्शन हो रहे, कैसे भी कुछ लफड़ा कर सकता वो, ठीक है। तो वो हिसाब किताब वो पर्टिकुलर समझे नहीं है, एक जगह पर टिके नहीं, तो उसका रोटेशन करवाना जरूरी रहता है। आता जॉब रोटेशन वर्क अधिकतर कहाँ पर होता है, बैंक में होता है, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ये आपको। और कार्य पे प्रशिक्षण कहाँ पे हो सकता है, इसमें दे दिया है अप्रेंटिसशिप, कौन करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा ये कार्य पे प्रशिक्षण का, ऑन जॉब ट्रेनिंग, डॉक्टर्स है ना, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टरी कर रहे हो तो आपको ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगी, बाहर मिलेगी कि डॉक्टर के बीच में मिलेगी, है ना, डॉक्टर बीच में रहता है, आस पास कौन रहते हैं, उसके स्टूडेंट्स रहते हैं, वो काम पे प्रशिक्षण करते हैं, डॉक्टर उसको सिखाता, देखो यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन हो रहा है, ये चीज हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन लिखना है। तो दिन में 100 क्लाइंट्स आए, उनको देखा उन्होंने, तो क्या करा वो स्टूडेंट भी सीखता गया उस पर। वकील देखा होगा ना बहुत सारी पिक्चरों में, वकील के साथ उसका एक असिस्टेंट भी रहता, वो देखता वकील कैसे केस लड़ रहा है, कैसे क्लाइंट से मीटिंग कर रहा है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है वो वकील, है ना। सीए के अंडर में भी आप सीए करोगे तो आपको 3 साल सीए के अंडर में आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, ठीक है, 3 साल तक सीए आपको काम सिखाता, मतलब सीए का काम देखते देखते आप सीखोगे उसका काम। इंजीनियर में भी आर्टिकलशिप करनी रहती है, तो अप्रेंटिसशिप दे दिए, ये कार्य पर प्रशिक्षण का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन ये किससे जुड़ा है, एक एजुकेशन लाइन से, कि हम डॉक्टर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं डॉक्टरी फील्ड पे, देन हमें वहां पे प्रशिक्षण मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के चला गया। तो ये कौन कर पाएगा, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो इससे रिलेटेड एजुकेशन ले रहा है। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग मतलब काम के बाहर ट्रेनिंग सेंटर्स पे ट्रेनिंग दी जाना है, ये तो छोटा सा ही है वैसे।
काम के बाहर ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए। देखो काम के बाहर ट्रेनिंग कैसे दे सकते, सबसे पहले कॉन्फिगरेशन और क्लासरूम लेक्चर्स, ये भी आपको कौन सा प्रशिक्षण मिल रहा है, अकाउंट आप पढ़ रहे हैं तो ये कार्य के बाहर प्रशिक्षण मिल रहा है आपको, ऑब्जर्व ट्रेनिंग, कि जॉब से भी हम नहीं है बाहर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप तो एक तो ये हो सकता है जॉब के बाहर ट्रेनिंग के लिए क्या कर दिया आपने, क्लासरूम कर दी। जब कुछ स्टॉक एडवाइजरी वो सोचते अच्छा बड़ी कंपनी, हम क्या करते उधर एक छोटा सा केबिन बना दिया, बेंचेस लगा दी और वहां पे एक ट्रेनिंग सेशन बंद कर दिया आपने। अभी ये भी बोल सकते सर ये तो ऑब्जर्व ट्रेनिंग है कंपनी के अंदर ही, लेकिन एक अलग सा रूम बना दिया और क्लासरूम में वहीं पे उनकी 7-8 दिन 10 दिन तक की ट्रेनिंग ले ली है। और अधिकतर 90% कंपनियां यही करती है, कहा कोई दूर करे कि भैया कंपनी बहुत बड़ी है उधर एक छोटा सा केबिन बना लो, एम्प्लॉयज के लिए बेंचेस लगा दो, वहीं पर उनको ट्रेनिंग दो। उसके बाद क्या फिल्म्स दिखा दी, फिल्म से कौन सी ट्रेनिंग मिली है ना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आती है जो क्या करती है उस प्रोसीजर्स को पूरा समझाती है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म से भी हो गया है ना। केस स्टडीज देती है, केस स्टडीज आपको बहुत आएगी, इसमें भी है केस स्टडी अपन ने पढ़ा था ना, इसमें भी आएगी, इसमें बहुत सारे आपको केस स्टडी है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे देंगे इस कंपनी में और आपसे बोल देंगे कि आप आपको सिलेक्शन करना है, तो आप क्या करोगे सिलेक्शन की प्रोसीजर। और फिर क्या वेजिटेबल ट्रेनिंग, हिंदी में क्या लिखा बेटा इसका, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, मतलब इस पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण वास्तविक कार्य स्थल पर दिया जाकर इसकी व्यवस्था किसी और विशेष प्रयोगशाला में की गई है ना। एक अनुभवी एवं एक प्रशिक्षित को प्रयोगशाला की जिम्मेदारी अब वही दे दिया कि इसमें क्या हो गया कि जहां पर बिजनेस से कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर एक अलग से क्लासरूम या क्या बना दी, लैब बना दी और उधर एक अनुभवी बंदे को खड़ा कर दिया और वही उसको ट्रेनिंग दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया ट्रेनिंग का। इसके बाद देखो क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग, अंतर बताना कार्य प्रशिक्षण और कार्य के बाहर प्रशिक्षण में अंतर। पहला क्या बता दिया, कार्य पर प्रशिक्षण ये कहां पे दिया जाता, ट्रेनिंग हेयर इज प्रोवाइड एट द एक्चुअल वर्क प्लेस, इसमें ट्रेनिंग वहीं पे होती है जहां पे काम हो रहा है कार्य पर प्रशिक्षण पर। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें आपको ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस से बाहर दी जाती है ना। नॉलेज ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है, जो काम सामने हो रहा है वो आप देख रहे हो और अगले दिन से उस काम पे लग जाओगे, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है, जबकि ऑफ जॉब ट्रेनिंग में आपको क्या दिया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाएगा आपको, प्रैक्टिकल नहीं दिया जाएगा। अभी आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अकाउंट्स की, ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, यहाँ पर आपको देखने को तो मिल रहा है प्रैक्टिकल तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे वर्क होना और यहाँ पे सीखना अंतर है। एम, ऑन जॉब ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एम इज अर्निंग लॉन्ग विद अलोंग विद लर्निंग, मतलब काम करते जाओ साथ में सीखते जाओ, और इसका फोकस क्या होता है, डेप्थ लर्निंग ओनली, क्लास में आपको क्या कराया जा रहा है, डेप्थ लर्निंग कराया जा रहा है, आपको सिंगल एंट्री भी बताई जा रही है ना, आपको पार्टनरशिप भी पढ़ाया जा रहा है, आपको कंपनी भी पढ़ाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग ना। इसमें आपको डीप स्टडी की जा रही है अकाउंट के बारे में, लेकिन जब आप एक्चुअल में काम करोगे तो आप एक फील्ड में काम करोगे, या तो कंपनी में काम करोगे या पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटर में, तो आपको तो एक ही अकाउंट पढ़ना है। और यहाँ पे हमें क्या कराई जा रही, डीप स्टडीज कराई जा रही ऑफ जॉब में। एक्सपर्ट एबिलिटी है ना, मोस्टली एन एक्सपर्ट इज प्रेजेंट व्हाइल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, एक एक्सपर्ट मिलता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, मोर देन टू एक्सपर्ट आर जनरली प्रेजेंट इन व्हाइल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इसके अंदर दो एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको, ज्यादा भी मिल सकते, दो से ज्यादा भी मिल सकते। फिर इंटरप्टिंग इन वर्क, इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, कई बार इंटरप्शन होता है, इंटरप्शन कैसे,
कि मैं एक ऐसा एम्प्लॉई हूँ जो मैं अपने मशीन पे यहाँ पे वर्किंग करता रहता हूँ। अब एक और नया एम्प्लॉय आ गया और मेरे ओनर ने क्या बोल दिया, मैनेजर ने, कि इसे भी सिखाना, अब मैं अपना काम छोड़ के उसको सिखाने लग गया, जिससे ये काम क्या हो गया, बंद हो गया, इंटरप्ट हो गया या स्लो होने लग गया, बीच में हस्तक्षेप होने लग जाता है जो ट्रेनिंग में, कि अगर कोई नया एम्प्लॉई आप उसको सिखाने लग गए तो आपका काम कौन करेगा फिर, ठीक है। जबकि ऑफ जॉब ट्रेनिंग में इंटरप्शन नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास में अंतर, ये वाला क्वेश्चन मिलता, वो नहीं मिलेगा लेकिन ये मिल जाएगा आपको। क्या होता है प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? पहले तो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर डेवलपमेंट लेता है। बेटा कोई अच्छे से समझा सकता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होगा, प्रशिक्षण और विकास? डेवलपमेंट में उसकी मैनेजर एबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। हाँ, और डेवलपमेंट कोई देता नहीं, डेवलपमेंट खुद से होता है ना। प्रशिक्षण बच्चे को हम चलना सिखा सकते हैं, जब वो चलना सीख जाएगा, चलना क्या उसकी ट्रेनिंग, लेकिन भागना वो खुद से सीख जाता है, वो क्या उसका विकास है, डेवलप हो गया। ऐसा तो नहीं बच्चा पहले भागना ही सीखा फिर चलना सिखा रहे उसको, वो तो कर नहीं सकते। तो प्रशिक्षण और विकास में यही अंतर होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, सिखाई जाती है, जबकि डेवलपमेंट खुद से होता है, विकास खुद से होता है। ट्रेनिंग एक लिमिटेड पीरियड के लिए दी जाती है, 2 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की, 10 दिन की, 15 दिन की ट्रेनिंग का एक लिमिटेड पीरियड रहता है, जबकि डेवलपमेंट जीवन भर चलता रहता है। विकास क्या होता है ना, मतलब ये और तो बता सकते सर, ट्रेनिंग का स्कोप क्या है, लिमिटेड है, और इसका क्या बहुत वाइड है, बड़ा है, विस्तृत है ना। अब ट्रेनिंग में और क्या हो सकता है अंतर, देखो पहला तो इसमें बता दिया मैंने आपको, दूसरा देखो, पहला मीनिंग, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब इन इंक्रीज। ट्रेनिंग क्या होता है ना, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो क्या बताती है, आपकी स्किल्स को, आपकी क्षमता को, एम्प्लॉइज की जो क्या परफॉर्मेंस से काम करने की क्षमता के लिए विशेष ज्ञान प्रदान किया जाता है इसमें। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्लान और ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, एक नियोजित है ना और संगठित प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो एम्प्लॉय के अंदर क्या करती है, ग्रोथ करती है, उसका विकास करती है। पर्पस क्या होता है, ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑन स्पेसिफिक जॉब। किसी कार्य विशेष की क्षमता को बढ़ाने के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है ना। और डेवलपमेंट का पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज एम्प्लॉय कैपेसिटी इन जनरल है ना, और सामान्य स्तर में क्या होता है, उसके काम करने की क्षमता बढ़ाना। जैसे मैंने एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी कि भैया कॉपियां ऐसी बनती है, कारखाना बुक्स छापने का, वहां पे कॉपियां ऐसी बनती है, ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद उसने काम करना चालू करा तो एक दिन में उसने 10 कॉपियां बनाई, 10 ही बनाएगा क्या 2 साल बाद भी, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसी समय में 10 की जगह 15 से 16 कॉपियां बनाने लग जाएगा। और क्या होगा, जो 10 कॉपियां बनाई थी उस समय बहुत सारी गलतियां थी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन 15 साल बाद आप देखोगे तो वो क्या करेगा, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी उसकी, एकदम सफाई अलग दिखेगी उसकी, फिनिशिंग अच्छी लगेगी, ब्रांडेड क्वालिटी की चीज, और ज्यादा हो गया उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो गया और क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट हुआ। कब हुआ, जब उसमें डेवलपमेंट हुआ। एक प्रोफेशनल प्लेयर को खेलने में और एक नया प्लेयर आया, जैसे अपन आईपीएल में देखते हैं ना, डिविलियर्स के खेलने का तरीका और कोहली हो या दूसरा भी प्लेयर हो है ना, दोनों में ही अंतर है। वो एक प्रोफेशनली लगता है और एक क्या है, जो हिट दे रहे से, फॉर एग्जांपल विकेट कीपर को ने अपने आका जो दिल्ली में ऋषभ पंत खेलता, अच्छा भी, हिटिंग भी अच्छी करता, लेकिन उसका प्रोफेशनल खेलने में और डिविलियर्स या दूसरे को खेलने में अंतर लगता है। तो इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट क्या करता है, आपकी क्षमता को और अच्छे से क्या करता है, निखारता है। ड्यूरेशन ट्रेनिंग का एक फिक्स टाइम रहता है, जबकि डेवलपमेंट क्या चलती, कंटिन्यू चलती, नेवर एंडेड है, इसका अंत नहीं होता है, विकास का। नॉलेज इज प्रोवाइडिंग ओनली फॉर जॉब, ट्रेनिंग में केवल कार्य से रिलेटेड ही आपको क्या दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, जबकि डेवलपमेंट में कार्य के बाहर भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है ना।
Hence all-rounded knowledge is increased. सभी फील्ड का नॉलेज होएगा डेवलपमेंट में। मुझे ट्रेनिंग दी थी अकाउंट की, सब सब्जेक्ट पढ़ाने लग गया, डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, ऑलराउंड नॉलेज होने लग जाता है। लेवल मोस्टली एट लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल प्रशिक्षित ट्रेनिंग किसको दी जाती है, लोअर मिडिल लेवल को, टॉप लेवल वाला तो होना ही रहता है, जबकि डेवलपमेंट सभी लेवल पे होता है, विकास सबका होगा, टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल का। स्कोप कर सकते हैं, ट्रेनिंग का स्कोप क्या है, प्रशिक्षण का लिमिटेड है, उसका वाइड है, बड़ा है, ये हो गया। क्वेश्चंस बेटा लिख लो, आपको पेज नंबर के साथ ये मिलेंगे। ऑब्जेक्ट ये पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ाया है मैंने ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव में आए, चार नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, मतलब पांच पांच नंबर के हेड में से एक हेड ऑलमोस्ट इसका मिलेगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिख लो, वो भी निकाल लो मैंने। पेज नंबर भी मैं बोलते रहता हूं। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग एंड डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। नियुक्तिकरण से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए। पेज नंबर 154 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 123 एंड 124, इसके पीछे लिख लो, जहां तक क्वेश्चन लिख लो ना पीछे पेज नंबर लिख लो, तो आपको क्वेश्चन के साथ ही पेज नंबर पता चल जाएगा ना। नियुक्तिकरण से क्या आशय है ना, एवं इसकी विशेषताएं बताइए, क्वेश्चन के पीछे आप पेज नंबर लिख लो। पेज नंबर 123 124 और हिंदी मीडियम में 154 पे, 154 155 विशेषता है ना, पांच विशेषता बता दो। फिर भर्ती के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों को समझाइए, आंतरिक और बाह्य स्रोत, सॉरी इंग्लिश मीडियम है ना, एक्सप्लेन है ना सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बहुत दोनों को ही समझा रहा आपको। इंटरनल में तो पता है दो है, वैसे तो यहाँ पे तीन दे रखा है, दो मोस्टली पता होना चाहिए आपको, प्रमोशन है ट्रांसफर, पदोन्नति और स्थानांतरण। और बाहर के स्रोत तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट के भर्ती के, पुराने कर्मचारी को बुला लेना, रिलेटिव्स को बुलवा लेना, बोर्ड्स लगवा लेना, एडवर्टाइजमेंट दे देना उसको, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू करवा लो, कैंपस कॉलेज कैंपस इंटरव्यू कर सकते हम, लेबर यूनियन के थ्रू भी। अधिकतर तो बाह्य स्रोतों को समझाने के लिए आता है एक्सटर्नल सोर्सेस को, क्योंकि इंटरनल में तो दो ही है, दो ही, और पांच नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो पांच नंबर तो एक्सटर्नल ही आएगा। फिर बेटा ये चयन की प्रक्रिया समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, भर्ती का बता दे रहा, रिक्रूटमेंट का पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में 129 इंग्लिश मीडियम में है ना, हिंदी मीडियम में पेज नंबर 161। अगला क्वेश्चन लिख लिया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसीजर को बताना, चयन की प्रक्रिया को समझाइए, बेटा हिंदी मीडियम में है पेज नंबर 164 पे, चयन की प्रक्रिया समझाइए पेज नंबर 164 पे, इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा आपको पेज नंबर 132 पे, 132 पे। अगला डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एनी 5, भर्ती एवं चयन में कोई पांच अंतर समझाइए, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन।
एनी फाइव भर्ती एवं चयन में कोई पांच अंतर समझाइए। पेज नंबर मिल जाएगा आपको 166 पे 166 पे इंग्लिश मीडियम 166 135 पे। पेज नंबर बताया ना हिंदी मीडियम 166 पे। फिर देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट है ना, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रशिक्षण और विकास में अंतर बताइए, कोई पांच अंतर बता दें। सर ज्यादा प्रशिक्षण है, विकास में अंतर बताइए। इंग्लिश मीडियम 141 पे और हिंदी मीडियम में 173 पे कितने क्वेश्चन हो गए? पांच। इससे बाहर नहीं करना आपको, एग्जाम में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, पांच नंबर का एक स्कोर में एक, ठीक है? एक डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो लिख लो, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर्स में, ये सिलेक्शन रिक्रूटमेंट में डिफरेंस मिल जाएगा या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, मिलना ही है, कन्फर्म है तो मिलेगा। और भी अच्छा होता तो खाली तीन ही क्वेश्चन इसमें से कर लो बेटा, खाली तीन क्वेश्चन कर लो, पहले चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन की प्रोसीजर, है ना, और दो डिफरेंस, ये तीन क्वेश्चन कर लोगे तो यही मिल जाएगा आपको 99.9% कह रहा हूँ, इन तीन में से एक मिलेगा आपको ना, 0.1% कह रहा हूँ, बाकी के दो क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ये तीन में से एक मिल जाएगा, ठीक।